दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 की। क्या आईफोन 11 आपको 2020 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 लॉन्च हो गया और आईफोन 12 बहुत महंगा है भाई। आईफोन 12 ही स्टार्ट होता है 80,000 रुपये के प्राइस से। मिनी लेने का मतलब नहीं है। प्रो और प्रो मैक्स तो औकात से बाहर फोन लॉन्च करे हैं भाई इस बार एप्पल ने, बिना मतलब प्राइसिंग इंडिया में इतना बढ़ा के लॉन्च कर दिया है। तो आईफोन 11 बहुत सस्ता हो गया है और सिर्फ एक साल पुराना फोन है और लोगों को पुराने आईफोन्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और अभी तो इसका ऑफिशियल प्राइस 55,000 हो गया है। अमेजोन पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो 49, 48, 50,000 का भी बहुत लोगों ने खरीदा है। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि 50,000 रुपये में क्या आईफोन 11 बढ़िया रहेगा और क्या 2020, 2021, 2022 में आईफोन 11 आपका साथ निभा पाएगा अगर आप इसे अभी खरीदते हो। तो दोस्तों वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आईफोन 11 में मैं 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा मोटा मोटा, क्योंकि मैं इस फोन को एक साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ भाई। आईफोन 11 लॉन्च डेट पे लिया था तो एक साल से ज़्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे पता है इस फोन के बारे में, सारी अच्छी बातें, सारी बुरी बातें सभी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले एक ऐसा फैक्टर है जो लोग बहुत बुरा बोलते हैं आईफोन 11 के बारे में, क्योंकि इसमें IPS पैनल यूज़ करा गया है। ऑन पेपर सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन है और उतना अच्छा खास मानते नहीं है इसकी डिस्प्ले को। मैं अपनी पर्सनल राय बोलूँ एक साल यूज़ करने के बाद तो डिस्प्ले अच्छी है। इसमें जो IPS पैनल यूज़ करा है वो वन ऑफ दी बेस्ट IPS पैनल्स है दुनिया का। तो IPS क्वालिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। आप इसमें पिक्सल्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब आंखों से नहीं देख पाएंगे। हाँ ऑन पेपर PPI कम है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कितनी भी हाई क्वालिटी की फोटोज़ देख लो, मज़ा ही आएगा इसकी डिस्प्ले में देखने में। आप Amazon Prime पे मूवीज़ देखो, पिक्चरें देखो किसी के भी साथ, तो आप लोगों को मज़ा ही आएगा। इसकी डिस्प्ले ख़राब नहीं है। डिस्प्ले तो देखो इस फ़ोन की बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। डिस्प्ले अच्छी डिस्प्ले इस फ़ोन में मिलती है। अब बात करते हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की। जी हाँ, ये फ़ोन एलुमिनियम का बना हुआ है। ये फ़ोन स्टेनलेस स्टील की नहीं है प्रो मॉडल्स की तरह। तो यहाँ पे आप लोगों को एलुमिनियम देखने को मिलता है। जो पूरी केसिंग है, जो पूरा फ्रेम है, वो एलुमिनियम का है। मैंने इस फ़ोन को 1.5 साल में बहुत बार गिराया है और सिर्फ डेंट्स मेरे को देखने को मिले हैं। और एक चीज़ अच्छी ये है कि ये फ़ोन मैंने पीले कलर में लिया था। डेंट जहाँ पे आया है ना तो वहाँ पे भी पीला ही कलर है। ऐसा नहीं है कि स्क्रेप ऑफ होकर सिल्वर आ गया हो या कोई और कलर आ गया हो। डेंट आने के बावजूद जो कलर है डिवाइस का वो मेंटेन्ड है। बहुत सारे रंगों में ये फोन आता है, शायद 6 रंगों में आता है। आप अलग अलग अपनी मन पसंदीदा रंग में इसको खरीद सकते हो। हरा, पीला, लाल, अलग अलग रंगों में आता है। तो यहां पे इस फोन की कैमरा की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। कैमरा पे आते हैं। अब कैमरा 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर मिलते हैं, एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड। मतलब एक में आप और आपकी गर्लफ्रेंड आ सकती है, एक में आप और आपकी गर्लफ्रेंड का परिवार दोनों ही आ सकते हैं। तो एक चीज़ इस फ़ोन के कैमराज में मुझे ये अच्छी लगी कि इसका जो वाइड एंगल कैमरा है ना वो अच्छा है, जो अल्ट्रा वाइड है वो उससे भी अच्छा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत कमाल का है। जब आप एक लेंस से दूसरे लेंस में स्विच करते हो तो जो कलर शिफ्ट्स है ना वो देखने को नहीं मिलते। आप किसी भी ब्रांड के फ़ोन के कैमरा में अगर आप एक लेंस से दूसरे लेंस में स्विच करोगे तो हल्का बहुत आपको कलर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई एक लेंस वार्म होता है तो दूसरा कोई लेंस थोड़े से ठंडे कलर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। कहाँ आपको नीला ज़्यादा दिख रहा होता है तो कहीं आपको थोड़ा गर्माहट वाले रंग ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये लेंस का फर्क होता है। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर इतने अच्छे तरीके से संभाल लेता है ना कलर शिफ्ट्स को कि आपको महसूस ही नहीं होता। सेम कलर्स दोनों ही लेंस में देखने को मिलते हैं, जिस वजह से जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसा लगता है कि भाई आपने पैसे खर्च करें और एक तगड़ा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अब आते हैं इस फोन की बैटरी पे। बैटरी बहुत लोगों को लगता है कि आईफोन की अच्छी नहीं होती, बहुत घटिया होती है। अच्छी नहीं होती मानता हूँ, बट घटिया होती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फोन में आईफोन्स की सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। जी हाँ, 11 प्रो से भी अच्छी बैटरी लाइफ आपको आईफोन 11 में देखने को मिलती है। इवन आप पेपर पे कंपेयर करोगे ना तो आईफोन 11 की बैटरी ज़्यादा अच्छी है आईफोन 12 से। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है एक साल के अंदर, इस फ़ोन की बैटरी आपका एक दिन पूरा साथ दे देगी। और चार्जर की बात करूँ तो जी हाँ, आपको आईफोन 11 के डब्बे में चार्जर मिलेगा और USB केबल भी मिलेगी, जो लाइटनिंग टू नॉर्मल USB पोर्ट वाला
कनेक्टर होता है वो वाली केबल मिलेगी, ईयरफोन्स भी मिल जाएंगे। तो ये सब आपको 12 के डब्बे में तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अब तो डब्बा छोटा हो गया भाई, एनवायरनमेंट को भी तो बचाना है हमें। तो यहाँ पे अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं बचाना चाहते तो आप अभी भी आईफोन 11 खरीद सकते हो, जिसमें आप लोगों को ईयरफोन्स भी मिल जाएंगे और आपका चार्जर भी मिल जाएगा, एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, लेकिन आप यहाँ पे पैसे ज़रूर बचा सकते हो। तो आईफोन 11 मेरे हिसाब से 2020 में बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट। A13 बायोनिक चिपसेट एक साल पुराना चिपसेट है, और A14 और A13 में डिफरेंस है। A14 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है, A13 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है। ऑन पेपर बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करो तो कोई फ़र्क नहीं है भाई ज़्यादा। अगर आप इसमें भी पबजी खेलोगे और उसमें भी पबजी खेलोगे, बाय द वे पबजी आने वाली है, तो दोनों में पबजी आप फुल ग्राफिक्स पे एंजॉय कर सकते हो। उतनी ही स्मूथनेस आपको 12 में मिलेगी, उतनी ही स्मूथनेस आपको आईफोन 11 में मिलेगी। तो मेरे हिसाब से रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-19.5 का डिफरेंस होगा, जो कोई मान्य नहीं रखता रियल लाइफ में। तो मेरे हिसाब से आप लोग आईफोन 11 बिल्कुल खरीद सकते हो, बहुत सही डिस्काउंट ऑफर्स के साथ ये मिल रहा है, और 50,000 रुपये में ये बेस्ट आईफोन बन जाता है आईफोन 11। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, बिंदास इस फ़ोन को खरीद सकते हो आंखें बंद करके। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो किसी एक अच्छे प्रीमियम फ़ोन में 2-3 साल के लिए, तो आईफोन 11 आपके बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 2023-24 तक आपका साथ निभा देगा, और अपडेट्स भी इसको मिलने ही वाले हैं 3-4 साल तक बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप सभी के लिए अमेजिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं और जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।